Hello guys, this is Dhruv agnihotri here. Today I am talking about the review of this book, Not Just a Civil Servant, which is written by Anil Swarup sir, who is a former IAS officer, and he is a very good officer, not only but politically corrected, and during his 38 years of career. Anil Swarup, let's talk about the background of Anil Swarup. Something around 1978, he is born in Allahabad, Uttar Pradesh. He earned his master's from AU, Allahabad University, 1978. And if we talk about the nature or content of this book, इस पे अगर जाएं तो 11 चैप्टर्स हमें मिलेंगे और उसमें इन्होंने स्टार्टिंग में अर्ली इयर्स और फिर बाकी अपने सर्विस के एक्सपीरियंस को बताया है. अगर आप बात करें तो इसमें बहुत सारी आपको इनोवेटिव आइडियाज़ मिलेंगे. ये बुक बहुत अच्छी है उनके लिए, दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द सिविल सर्वेंट्स, दोज हु आर इन फ्यूचर, दोज हु आर गेटिंग इन टू द सर्विस, तो उनके लिए बहुत अच्छा है. और कैसे इनसाइडर के व्यू मिलेगा, व्यू पॉइंट मिलेगा, एक इनसाइडर का सिस्टम के अंदर का एक्सपोजर मिलेगा आपको कि कैसे वहाँ का गवर्नेंस को ग्राउंड रियलिटी तक हैपन किया जाता है. तो ये एक बहुत ही अच्छा बुक है. और लाइफ कैसी होती है पावर्स कॉरिडोर्स ऑफ पावर्स के अंदर, लाइफ कैसी होती है, एक इनसाइडर का व्यू आपको इसके अंदर मिलेगा. अगर बात करें स्टार्टिंग में तो इन्होंने कंटेंट की, तो अर्ली इयर्स में इन्होंने अपने सर्विस के स्टार्टिंग डेज के बताया है कि जब स्टार्टिंग में आईएएस में ट्रेनिंग और उसके स्टार्टिंग में एसडीएम एज अ पोस्ट में इन्होंने क्या किया था. तो अगर बात करें इनके स्टार्टिंग करियर की, तो इन्होंने एज अ आईपीएस ज्वाइन किया था और उसके बाद एक साल तक आईपीएस को सर्व किया, उसके बाद फिर इन्होंने आईएएस के लिए सेलेक्ट हुए. तो उसके बाद बहुत सारी ऐसी स्टोरीज़ हैं. इनोवेटिव मैनेजमेंट स्किल्स के बारे में बात करेंगे ये, और बहुत सारे इंसिडेंट्स इंडिया में हम यूपीए फर्स्ट यूपीए सेकंड टाइम पे देखे हैं. हम जानते भी हैं जैसे कोल आवंटन घोटाला, उस टाइम पे ये उसके सेक्रेटरी थे और उसके बाद फिर उनको बनाया गया. तो उस टाइम पे फाइल का क्लियरेंस और गवर्नेंस इतना जल्दी नहीं हो पा रहा था, फाइल का क्लियर नहीं मिल पा रहा था क्लियरेंस, बाकी सिविल सर्वेंट्स इतना जल्दी फाइल पे क्लियरेंस नहीं दे रहे थे. तो जब इनको कोल मिनिस्ट्री मिली तो ये फिर कह सकते हो कि इन्होंने अपने इस छोटे से कोल मिनिस्ट्री के टेन्योर में इन्होंने 5,00,000 का जो है तो क्लियरेंस दिया था. तो इट इज़ अ रिमार्केबल थिंग. और आपको बहुत सारी चीज़ें इनकी मिलेंगी, जैसे कि बाबरी मस्जिद डेमोलेशन हम सभी जानते हैं 6 दिसंबर 1992 को हुआ था. तो उस टाइम पे ये यूपी के में ही सर्व कर रहे थे, यूपी स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में. तो एज अ डीएम इनकी मैनेजमेंट स्किल्स का अंदाज़ा इसी से लगा सकते हो आप, कि आप सभी डिस्ट्रिक्ट में लगभग कर्फ्यू लगाने की नौबत आ गई थी, पर इन्होंने ऐसा मैनेज किया अपने डिस्ट्रिक्ट को कि इनको कर्फ्यू जो है नहीं लगाना पड़ा था. तो वहाँ पे इन्होंने लिखा भी है, बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें मिलेंगी, जानने को मिलेंगी. उसके बाद कोल में इन्होंने बहुत काम किया कोल मिनिस्ट्री में, और अल्टीमेटली इनको फिर माइनिंग मिनिस्ट्री के स्टार्टिंग में जब ये गए तो पीएमओ में और बताया कि कोल मिनिस्ट्री में अब ऐसा कुछ है नहीं, आप इसे माइनिंग मिनिस्ट्री में ऐड कर दीजिए. तो इनको सब फूलिश समझा जाता है उस समय, पागल समझ लिया जाता है कि यार ये क्या बात कर रहे हो, कोल मिनिस्ट्री एक अलग है, उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं. बट जब आप कुछ दिन बाद जब ये कोल मिनिस्ट्री पहले घाटे में चल रही थी, उसके बाद इनके टेन्योर के बाद कोल मिनिस्ट्री ना केवल घाटे से बाहर आई, बल्कि हमने स्टार्ट किया बांग्लादेश को एक्सपोर्ट करना कोल. तो ये जो है एक इनका छोटा सा टाइम मिला कोल मिनिस्ट्री के इनको काम करने का, उसमें इन्होंने बहुत अच्छे इनोवेटिव आइडियाज़ से और लोगों को साथ लेकर के मैनेजमेंट स्किल्स का इनका जो तरीका है वो बहुत ही अच्छा सीखने लायक है. बहुत सारे यंग सिविल सर्वेंट्स ने इनकी बुक को अच्छा रिव्यू दिया है. अगर बात करें कुछ रिमार्केबल स्टेटमेंट की, तो जैसे ब्यूरोक्रेट्स को डिफाइन करते हुए बोलते हैं कि ब्यूरोक्रेट्स आर दोज हु नो द कंट्री बेटर देन एनीवन एल्स.
दिस इज़ द रिमार्केबल स्टेटमेंट, आप इसके पहले कभी नहीं सुने होंगे। और बहुत सारी ऐसी स्किल्स के अंदर कैसे डिसीज़न लिए, कैसे टाइम पे डिसीज़न लिए, तो वहाँ पे भी आपको इनका पता चलेगा कि दीज आर द इनोवेटिव एंड वी कैन अप्लाई वेल डूइंग द सर्विस। तो और बाकी अगर बात करें तो इन्होंने RSBI का नाम भी सुना होगा, उनमें भी ये बहुत मेजर रोल प्ले किया। RSBI राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, तो हेल्थ कार्ड स्कीम आई थी, वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन उसको मिला था। हाँ, वो बात अलग है कि इंडियन मीडिया में इसको कवर बहुत कम किया गया, क्योंकि हमारे इंडिया में ये कवर, न्यूज़ का मतलब होता है कि दोज हु आर इरेशनल और समथिंग एक्सेप्शन, अगर कुछ एक्सेप्शन है तो वो मतलब न्यूज़ है। तो उसमें एक्सेप्शन तो नहीं था, पर हाई लेवल क्या अच्छी बात थी, तो उसको वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन मिला था। और अगर बात करें इनके और आगे कुछ कामों की, तो हमको सबको याद है जब हम लोग 12th के बैच में थे, तो उस टाइम पे 2017-18 की बात है, तो 18-19 की, व्हेन आई वाज इन 12th, तो CBSE पेपर लीक हुआ था। उस टाइम पे ये स्कूल एजुकेशन मिनिस्ट्री संभाल रहे थे, सेक्रेटरी थे। तो आप कह सकते हो कि उस टाइम पे इन्होंने उसको बहुत ही मैच्योरिटी से हैंडल किया था, और साथ ही बहुत सारे रिफॉर्म्स लेके आए थे, इनिशिएटिव स्टार्ट किया, स्टार्टअप बहुत सारे को प्रमोट किया, और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को स्कूल एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंतर्गत लेके आए। तो ये बहुत ही अच्छा वो था, इनिशिएटिव था कि पब्लिक PPP मॉडल को हमने एजुकेशन मिनिस्ट्री में भी अप्लाई किया। और जैसे अभी आपने देखा होगा कि लिटरेचर में कॉम्प्रहेंसिव सब्जेक्ट्स जितनी भी हैं, जैसे पॉलिटिकल साइंस है, जिनमें स्टूडेंट्स बहुत ही रिमार्केबल हो तभी वो जा कर के 100 out of 100 पाता है, लेकिन आप देखो एक स्पाइकिंग कर दी गई है, जिसके साथ मतलब बाकी बोर्ड्स के बीच में जब आप देखो तो तमिलनाडु बोर्ड हो गए, साउथ इंडियन जितने भी बोर्ड्स हैं और नॉर्थ इंडियन के स्टेट के बोर्ड हैं, आपस में इतना कंपटीशन हो गया कि ये लोग बच्चों को भर भर के नंबर देना स्टार्ट कर दिए, जिससे ये साफ पता चलता है कि यहाँ पे स्पाइकिंग हो रही है। इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए उन्होंने इनिशिएटिव स्टार्ट किया था, तो उन्होंने सब बोर्ड्स के डायरेक्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बुलाया, साइन कराया बगैर दे, और उसके बाद फिर इनको इन्हीं के कलीग ने एक एडवाइस किया कि एक साल बाद इसको इम्प्लीमेंट कर दीजिए, स्कीम बहुत अच्छी है पर इम्प्लीमेंट एक साल बाद करते हैं। तो उन्होंने पूछा क्यों, तो बताया कि वो इस साल 12th में मेरी बच्ची है, इसलिए एक साल बाद करते हैं। तो उन्होंने इन्होंने बोला स्वरूप सर ने कि नहीं, इसी साल होगा इम्प्लीमेंटेशन। उसके बाद पिटीशन डाला गया इनके अगेंस्ट में कि भाई ये कोर्ट में कि ये जो स्कीम है ये एक साल बाद इम्प्लीमेंट हो, और एक साल बाद का मतलब ये था कि 3 महीने बाद स्वरूप सर रिटायर होने वाले थे, तो इसको उनको बेहतर तरीके से टाल दिया गया। और आज भी हम देखते हैं कि लिटरेचर में लगभग सभी लड़के 100 out of 100 पाते हैं। उसका रीज़न भी ये है कि परसेंटेज बेसिस पे बहुत बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो हमारे देश की टॉप यूनिवर्सिटी एलीट कहा जाता है, तो वो हैं DU, जिसमें परसेंट बेसिस पे सिलेक्शन होता है। तो अगर बाकी बोर्ड्स के कंपटीशन के चक्कर में अपने अपने नंबर बढ़ा करके बच्चों को एडमिशन दिलाने के लिए भी किया देखा जा सकता है इसको, और भी बहुत सारी चीज़ हैं। अगर हम लास्ट में देखें इनके कंटेंट को, तो इनको लिखा है कि इफ़ आई वर टू बी बॉर्न अगेन, सो इसमें आप देख सकते हो कि अगर वो दोबारा जन्म लें, तो उन्होंने एक बात कही है कि जब वो पैदा हुए थे तो उनके फादर ने ये डिसाइड कर दिया था कि तुमको IAS ऑफिसर ही बनना है, पर 38 ईयर्स के लॉन्ग सर्विस करियर के बाद जब इनसे पूछा जाया गया कि अब अगर दोबारा जन्म लेते हैं तो अब क्या बनना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा अब इस बार मैं अपनी मर्ज़ी से IAS ऑफिसर बनना चाहूँगा, इस बार अपनी मर्ज़ी से सिविल सर्विस करना चाहूँगा। सो इससे ये पता चलता है कि इनका कितना डीप लर्निंग एक्सपीरियंस रहा है इस सिविल सर्विस में। सो गाइस, यहाँ पे आपकी बहुत अच्छी बुक है, दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द सिविल सर्विस, दिस इज़ वेरी गुड बुक, यू कैन गो थ्रू दिस।